Hi, I'm Dr. Puneet Khanna. I'm Head of Respiratory Medicine at Manipal Hospital Dwarka. November is COPD Awareness Month and let us discuss about this dreadful disease. COPD एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को पूरी तरीके से कमजोर बना देती है। COPD की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसका मतलब ये है कि एज के साथ, उम्र के साथ धीरे धीरे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है। ज़्यादातर ये बीमारी जो है ये एल्डरली या बड़े लोगों में होती है, लेकिन इसकी शुरुआत बचपन से या अर्ली लाइफ से ही हो जाती है। COPD के मुख्य कारण है स्मोकिंग या प्रदूषण का असर अपने फेफड़ों पर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग या सिगरेट, किसी भी फॉर्म ऑफ निकोटीन स्मोकिंग या हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इनसे हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये फेफड़े को पूरी तरह गला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से COPD की बीमारी होती है। इसके अलावा आजकल देखा गया कि पॉल्यूशन की वजह से या घर में जो अगरबत्ती और धूप वगैरह होती है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर आपके एरिया में बहुत हो रही है और उसकी धूल मिट्टी आपके फेफड़े में जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम, जिसको हम COPD कहते हैं, ये हो सकती है। COPD के मेन लक्षण होते हैं लगातार खांसी होना, दम घुटना, सांस फूलना, चेस्ट पेन या सिर में दर्द या भारीपन होना। कई बार रात में सोते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आती है, जिसको हम बीजिंग कहते हैं। इसके अलावा बलगम बनना और थूक में बहुत ज़्यादा कभी बलगम या खून आना, ये भी COPD के लक्षण हो सकते हैं। COPD के पेशेंट ज़्यादातर बीमारी की वजह से अपनी छाती के दर्द से परेशान रहते हैं या सांस फूलने की दिक्कत से परेशान रहते हैं। कई बार उनमें ऐसा भी देखा गया कि वजन कम हो जाता है या आगे चल के ये कैंसर का फॉर्म भी ले सकता है। COPD का मुख्य इलाज उसका बचाव ही है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर पॉसिबल फॉर COPD एंड प्रिवेंशन मीन्स द कम्प्लीट सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। अगर आप या आपके आसपास कोई भी धूम्रपान करता है तो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहला स्टेप है, जिससे हम COPD से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी एक नियमित जांच, जिसमें हम स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, इससे हम काफ़ी हद तक अपनी COPD की और या लंग की स्टेटस को जान सकते हैं कि हमारे फेफड़े कितने कमज़ोर हैं या उसकी रोज स्मोकिंग की वजह से कितना इफेक्ट होता है। जब ये डायग्नोसिस बन जाता है तो कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जिनमें मेन दवाइयाँ जो हैं वो इनहेलर्स की फॉर्म में होती हैं या नेबुलाइजर की फॉर्म में होती हैं। कई बार ऐसे मरीजों को अगर एडवांस डिजीज होता है तो उनको हम ऑक्सीजन की थेरेपी भी देते हैं। लेकिन इस पूरी बीमारी में जो बचाव है वो सबसे ज़्यादा नियमित रूप से दवाई लेना, व्यायाम करना और अच्छी डाइट लेना है। अच्छी डाइट में COPD के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लें, नट्स और विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा लें, जिससे कि किसी तरीके से लंग्स स्ट्रॉन्ग बन पाए। इसके अलावा नियमित रूप से सांस की एक्सरसाइज, अपना प्राणायाम, अनोम विलोम, ये सारी चीज़ें भी फेफड़े को स्ट्रांग बनाती हैं। COPD के काफ़ी मरीजों को हम सर्दियों में देखते हैं कि उनकी दिक्कत बढ़ जाती है या दिवाली के बाद प्रदूषण की वजह से उनके फेफड़े ज़्यादा दिक्कत देने लग जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वो अपने फिजिशियन से मिले, डॉक्टरी सलाह लें और अपनी दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ करा लें या ठीक करा लें। उसके बाद जब उनकी दवाइयाँ ऑप्टिमाइज़ हो जाएँ तो वो रेगुलर अपनी मेडिकेशन के साथ डाइट पे और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, जिससे वो ये वाला जो फेज विंटर्स का है उसको ठीक से निकाल पाए। COPD का एक और बचाव जो है वो है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन। COPD में निमोनिया के रिस्क बहुत हाई होते हैं, इसीलिए निमोनिया से बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जिसे स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी कहते हैं, निमोनिया की वैक्सीन, प्रिवेनार और निमोकॉकल वैक्सीन और हर्पीस की वैक्सीन, ये मुख्यतः 3 वैक्सीन हम हर COPD पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जो उनको लगवानी चाहिए, जिससे कि उनकी बीमारी जो है वो घातक रूप ना ले पाए। इसके अलावा अगर कभी भी किसी COPD के मरीज को सांस में दिक्कत हो रही हो, हाथ पैर नीले हो रहे हैं, खांसी लगातार हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, बार बार बुखार आ रहा है या छाती में दर्द हो रहा है, तुरंत उन्हें अपनी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और अपनी दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ करा के एक जल्दी से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। सो in this COPD awareness month, let us pledge to make sure that nobody in your vicinity or personally smokes. Smoking cessation will be a cornerstone for this particular disease. And more than that, we should take care कि हम pollution से भी अपने lungs को बचा के रखें। जब भी बाहर जाएं तो mask पहनें, अगर ज़रूरत हो तो social distancing भी use करें और इस तरीके से अपने lungs को ठीक रखें। Thank you very much.